क्वेश्चन नंबर वन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स आर लेस सेंसिटिव टू रेडिएशन? ऑप्शन ए रिप्रोडक्टिव सेल्स, ऑप्शन बी नर्व सेल्स, ऑप्शन सी कनेक्टिव टिश्यूज, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसमें से कौन सी सेल्स लेस सेंसिटिव होती हैं रेडिएशन से। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी नर्व सेल्स। दोस्तों जो नर्व सेल्स होती हैं वो लेस सेंसिटिव होती हैं टुवर्ड्स द रेडिएशन, यानी कि इन पे रेडिएशन का काफ़ी कम इफेक्ट आता है, और जो बाकी सेल्स हैं यानी कि रिप्रोडक्टिव सेल्स और कनेक्टिव टिश्यूज, ये हाईली सेंसिटिव होते हैं रेडिएशन से, यानी कि इनमें कम रेडिएशन में ही इफेक्ट आ जाता है। क्वेश्चन नंबर टू, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ इज एसोसिएटेड विद द रेडियो सेंसिटिविटी ऑफ द टिश्यूज? ऑप्शन ए ओम्स लॉ, ऑप्शन बी लॉ ऑफ बर्गोनी एंड ट्राइमोंडो, ऑप्शन सी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ऑप्शन डी लॉ ऑफ पास्कल्स। यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा लॉ टिश्यूज के रेडियो सेंसिटिविटी से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी लॉ ऑफ बर्गोनी एंड ट्राइमोंडो। दोस्तों लॉ ऑफ बर्गोनी एंड ट्राइमोंडो के अकॉर्डिंग वो सेल्स हाईली सेंसिटिव होती है रेडिएशन से जो कि माइटोटिक स्टेट में होती हैं, या फिर जिनका जो मेटाबॉलिक रेट होता है वो ज़्यादा होता है। तो ऐसे सेल्स ज़्यादा रेडियो सेंसिटिव होती हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आरबीई फॉर डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी? ऑप्शन ए वन, ऑप्शन बी टू, ऑप्शन सी थ्री, ऑप्शन डी फोर। यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी के लिए जो आरबीई की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए वन, आरबीई की वैल्यू वन होती है फॉर डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी। यहाँ पर आरबीई का मतलब है रिलेटिव बायोलॉजिक इफेक्टिवनेस। क्वेश्चन नंबर फोर, द मेथड विच डिलीवर कंटीन्यूअस डोज बट एट ए लोअर डोज इज कॉल्ड? ऑप्शन ए प्रोट्रैक्शन, ऑप्शन बी फ्रैक्शनेशन, ऑप्शन सी मल्टीप्लिकेशन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि डोज डिलीवरी के उस मेथड को क्या बोला जाता है जिसमें कंटीन्यूअस लोअर डोज दी जाती है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रोट्रैक्शन। जब किसी कैंसर के पेशेंट को रेडिएशन डोज देनी होती है तो जब हम कंटिन्यूसली लोअर डोज देते हैं उसको लंबे टाइम तक, तो उस मेथड को प्रोट्रैक्शन बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर फाइव, OER स्टैंड्स फॉर? ऑप्शन ए ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, ऑप्शन बी ऑनलाइन एजुकेशनल रिसोर्सेज, ऑप्शन सी ऑक्सीजन एनहेंसमेंट रेशियो, ऑप्शन डी ऑक्सीजन एनरिच रेडिएशन। यह क्वेश्चन में पूछा गया है OER की फुल फॉर्म क्या है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी ऑक्सीजन एनहेंसमेंट रेशियो। ऑक्सीजन एनहेंसमेंट रेशियो रेशियो होता है उन दो डोजेस का जिसमें अलग अलग कंडीशन में, यानी कि एक हाइपोक्सिक यानी कि लो ऑक्सीजन कंडीशन में और दूसरा ऑक्सिक यानी कि हाई ऑक्सीजन कंडीशन में चेक किया जाता है कि जो बायोलॉजिकल इफेक्ट है वो किस तरह का आ रहा है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, टिश्यूज आर मोर सेंसिटिव टू रेडिएशन व्हेन इररेडिएटेड इन? ऑप्शन ए ऑक्सीजनेटेड स्टेट, ऑप्शन बी डी ऑक्सीजनेटेड स्टेट, ऑप्शन सी हाइपोक्सिक स्टेट, ऑप्शन डी एन ऑफ द अबव। यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऑक्सीजन के किस स्टेट में जो टिश्यूज होते हैं वो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं टुवर्ड्स द रेडिएशन। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए ऑक्सीजनेटेड स्टेट। जो टिश्यूज होते हैं वो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं टुवर्ड्स द रेडिएशन इन ऑक्सीजनेटेड स्टेट, यानी कि जब ज़्यादा ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है तो उस कंडीशन में जो टिश्यूज होते हैं वो ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं टुवर्ड्स द रेडिएशन। क्वेश्चन नंबर सेवन, द यूनिट्स ऑफ लेड आर एक्सप्रेस्ड एज? ऑप्शन ए किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर माइक्रोमीटर, ऑप्शन बी किलो वोल्ट पर माइक्रोमीटर, ऑप्शन सी किलो वोल्ट पर मीटर, ऑप्शन डी किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मीटर। यह क्वेश्चन पूछा गया है कि जो लेड होता है उसकी यूनिट्स क्या होती हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर माइक्रोमीटर। लेड की जो यूनिट होती है उसको किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर माइक्रोमीटर में एक्सप्रेस किया जाता है। क्वेश्चन नंबर एट, लेट स्टैंड्स फॉर? ऑप्शन ए लिविंग अर्ली टुडे, ऑप्शन बी लाइन इक्विपमेंट ट्रांसफर, ऑप्शन सी लीनियर एनर्जी ट्रांसफर, ऑप्शन डी लोअर एक्सट्रीमिटी टेस्ट। यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि लेट की फुल फॉर्म क्या होती है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी लीनियर एनर्जी ट्रांसफर। लेट यानी कि लीनियर एनर्जी ट्रांसफर उस एवरेज एनर्जी को बोला जाता है जो कि डिपॉजिट होती है पर यूनिट लेंथ ऑफ ट्रैक ऑफ रेडिएशन। क्वेश्चन नंबर नाइन, द फिजिकल फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेडियो सेंसिटिविटी इज आर? ऑप्शन ए लीनियर एनर्जी ट्रांसफर, ऑप्शन बी रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि वो फिजिकल फैक्टर कौन से हैं जो कि रेडियो सेंसिटिविटी को अफेक्ट करते हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी।
रेडियो सेंसिटिविटी को अफेक्ट करने वाले जो फिजिकल फैक्टर्स हैं वो है लीनियर एनर्जी ट्रांसफर यानी कि लेट, और दूसरा है रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस यानी कि आरबीई। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ स्टोकेस्टिक रेडिएशन रिस्पॉन्स। ऑप्शन ए ल्यूकेमिया, ऑप्शन बी जेनेटिक इफेक्ट्स, ऑप्शन सी कैंसर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। यह क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें से कौन सा एग्जाम्पल स्टोकेस्टिक रेडिएशन रिस्पॉन्स का है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों स्टोकेस्टिक रेडिएशन रिस्पॉन्स जो है उस रिस्पॉन्स को बोला जाता है जिसमें कि जो रेडिएशन इंड्यूस्ड जो रिस्पॉन्स है वो काफ़ी लंबे टाइम के बाद आता है, यानी कि इसमें तुरंत कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है और एक लंबे टाइम के बाद ही इसमें रिस्पॉन्स पता चलता है। इसमें कोई थ्रेशोल्ड डोज नहीं होती है, यानी कि ये कम डोज से भी इसमें रिस्पॉन्स आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिटर्मिनिस्टिक रेडिएशन रिस्पॉन्स। ऑप्शन ए कैंसर, ऑप्शन बी स्किन बर्न्स, ऑप्शन सी जेनेटिक म्यूटेशंस, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसमें से कौन सा एग्जाम्पल डिटर्मिनिस्टिक रेडिएशन रिस्पॉन्स का है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी स्किन बर्न्स। जो स्किन बर्न्स है वो डिटर्मिनिस्टिक रेडिएशन रिस्पॉन्स का एग्जाम्पल है। डिटर्मिनिस्टिक रेडिएशन रिस्पॉन्स उस रिस्पॉन्स को बोला जाता है जो कि एक्सपोजर के तुरंत बाद ही देखने को मिलता है। इसका एग्जाम्पल है स्किन बर्न्स। अगर किसी पर्सन को हाई डोज ऑफ रेडिएशन दी जाती है तो जो स्किन होती है वो थोड़ी सी जल जाती है यानी कि बर्न हो जाती है। तो ये इसका एग्जाम्पल है डिटर्मिनिस्टिक रेडिएशन रिस्पॉन्स का। दूसरी तरफ स्टोकेस्टिक रेडिएशन रिस्पॉन्स में जो रिस्पॉन्स है वो लॉन्ग टर्म के बाद देखने को मिलता है, यानी कि जनरली कई सालों के बाद इसमें रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। और इसके एग्जाम्पल्स हैं जेनेटिक म्यूटेशंस, कैंसर और ल्यूकेमिया। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट आर द रेडियो सेंसिटाइजर्स। ऑप्शन ए एजेंट्स दैट लोअर्स द इफेक्ट ऑफ रेडिएशन, ऑप्शन बी एजेंट्स दैट मेक्स द टिश्यू रेडियो रेजिस्टेंट, ऑप्शन सी एजेंट्स दैट एनहेंस द इफेक्ट ऑफ रेडिएशन, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि रेडियो सेंसिटाइजर्स क्या होते हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी एजेंट्स दैट एनहेंस द इफेक्ट ऑफ रेडिएशन। रेडियो सेंसिटाइजर्स उन केमिकल्स और फार्मास्यूटिकल एजेंट्स को बोला जाता है जो कि रेडिएशन के इफेक्ट को बढ़ा देते हैं और ये ट्यूमर सेल्स के डीएनए को डैमेज करने में हेल्प करते हैं, जिससे कि जो रेडिएशन का जो ओवरऑल इफेक्ट है वो काफ़ी बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ लेड फॉर डायग्नोस्टिक एक्सरेज। ऑप्शन ए 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर माइक्रोमीटर, ऑप्शन बी 15 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर माइक्रोमीटर, ऑप्शन सी 3 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर माइक्रोमीटर, ऑप्शन डी 200 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर माइक्रोमीटर। यह क्वेश्चन ने पूछा गया है कि डायग्नोस्टिक एक्सरेज के लिए जो लेड की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है वो कितनी होती है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी 3 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर माइक्रोमीटर। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू रिगार्डिंग द लॉ ऑफ बर्गोनी एंड ट्राइबोंडो। ऑप्शन ए स्टेम सेल्स आर रेडियो सेंसिटिव, ऑप्शन बी यंगर टिश्यूज आर रेडियो सेंसिटिव, ऑप्शन सी टिश्यूज विद हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी आर रेडियो सेंसिटिव, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। यह क्वेश्चन ने पूछा गया है कि लॉ ऑफ बर्गोनी एंड ट्राइबोंडो के अकॉर्डिंग इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। लॉ ऑफ बर्गोनी एंड ट्राइबोंडो के अकॉर्डिंग जो स्टेम सेल्स होती हैं और जो यंगर टिश्यूज होते हैं और वो टिश्यू जिनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी हाई होती है वो सारे ही हाईली सेंसिटिव होते हैं टुवर्ड्स द रेडिएशन। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ डोज डिलीवरी इज रूटीनली यूज्ड इन रेडिएशन ऑन्कोलॉजी। ऑप्शन ए प्रोट्रैक्शन, ऑप्शन बी फ्रैक्शनेशन, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि डोज डिलीवरी के उस मेथड को क्या बोला जाता है जो कि रूटीनली यूज्ड होता है रेडिएशन ऑन्कोलॉजी में। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी फ्रैक्शनेशन। रेडिएशन ऑन्कोलॉजी यानी कि रेडियोथेरेपी डिपार्टमेंट में जो फ्रैक्शनेशन डोज डिलीवरी मेथड का यूज होता है उसमें इस एक स्पेसिफिक डोज को कई छोटे छोटे फ्रैक्शंस यानी कि टुकड़ों में बांट के दिया जाता है। ये इसमें एक साथ ही एक डोज नहीं दी जाती है, इसमें हर एक स्पेसिफिक डोज को छोटे छोटे फ्रैक्शन में बांट लिया जाता है और उसको कई दिन तक डोज डिलीवरी की जाती है। तो इस मेथड को फ्रैक्शनेशन बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ रेडियो प्रोटेक्टर। ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी सिस्टामाइन, ऑप्शन बी हाइड्रोक्सी यूरिया, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। यह क्वेश्चन ने पूछा गया है कि इसमें से रेडियो प्रोटेक्टर का एग्जांपल कौन सा है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी।
बोथ ए एंड बी यहाँ पर राइट आंसर है, क्योंकि जो सिस्टीन है और जो सिस्टामाइन है ये दोनों ही रेडियो प्रोटेक्टर के एग्जाम्पल्स हैं। रेडियो प्रोटेक्टर वो कंपाउंड्स होते हैं जो कि नॉर्मल टिश्यूज को रेडिएशन के डैमेज से बचाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, हाउ ऑक्सीजन एनहेंसमेंट रेशियो ओईआर एंड लीनियर एनर्जी ट्रांसफर लेट आर डिपेंडेंट। ऑप्शन ए ओईआर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेट, ऑप्शन बी ओईआर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेट, ऑप्शन सी ओईआर इज इररिलेवेंट टू लेट, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि ओईआर यानी कि ऑक्सीजन एनहेंसमेंट रेशियो और लीनियर एनर्जी ट्रांसफर यानी कि लेट वो दोनों आपस में कैसे डिपेंडेंट है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी ओईआर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेट, यानी कि अगर लेट की वैल्यू बढ़ती है तो जो ओईआर की वैल्यू है वो कम होती है। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ रेडियो सेंसिटाइजर। ऑप्शन ए हैलोजिनेटेड पायरिमिडिन्स, ऑप्शन बी हाइड्रोक्सी यूरिया एंड विटामिन के, ऑप्शन डी एक्टिनोमाइसिन डी, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसमें से कौन सा एग्जांपल है रेडियो सेंसिटाइजर का। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पर जो तीनों ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी ये तीनों ही एग्जांपल्स हैं रेडियो सेंसिटाइजर्स के। रेडियो सेंसिटाइजर्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो कि रेडिएशन के इफेक्ट को एनहेंस करते हैं यानी कि बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट आर द बायोलॉजिक फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेडियो सेंसिटिविटी। ऑप्शन ए ऑक्सीजन इफेक्ट, ऑप्शन बी एज रिलेटेड इफेक्ट, ऑप्शन सी रिकवरी इफेक्ट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। यह क्वेश्चन ने पूछा गया है कि वो बायोलॉजिकल फैक्टर्स कौन से हैं जो कि रेडियो सेंसिटिविटी को अफेक्ट करते हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। यहाँ जो तीन ऑप्शन दिए गए हैं ऑक्सीजन इफेक्ट, एज रिलेटेड इफेक्ट और रिकवरी इफेक्ट, ये तीनों ही बायोलॉजिक फैक्टर हैं जो कि रेडियो सेंसिटिविटी को अफेक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन रिस्पॉन्स फॉलो हाई डोज एक्सपोजर एंड अर्ली रिस्पॉन्स। ऑप्शन ए डिटरमिनिस्टिक, ऑप्शन बी स्टोकेस्टिक, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। यह क्वेश्चन पूछे गए कि रेडिएशन रिस्पॉन्स वो कौन सा है जिसमें कि हाई डोज एक्सपोजर होता है और अर्ली रिस्पॉन्स होता है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए डिटरमिनिस्टिक। जो डिटरमिनिस्टिक रेडिएशन रिस्पॉन्स है उसमें हाई डोज एक्सपोजर रिक्वायर्ड होता है और उसमें अर्ली रिस्पॉन्स भी आता है, जबकि जो स्टोकेस्टिक रेडिएशन रिस्पॉन्स है ये लो एक्सपोजर को फॉलो करता है और इसमें लेट रिस्पॉन्स आता है। क्वेश्चन नंबर 21, द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम आयोनाइजिंग रेडिएशन टू सॉफ्ट टिश्यूज इज कॉल्ड। ऑप्शन ए लेट, ऑप्शन बी आरबीई, ऑप्शन सी ओईआर, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि उस रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी जो कि आयोनाइजिंग रेडिएशन से होती है सॉफ्ट टिश्यूज तक उसको क्या बोला जाता है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए लेट। लेट का यहाँ पर फुल फॉर्म है लीनियर एनर्जी ट्रांसफर और ये रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है फ्रॉम आयोनाइजिंग रेडिएशन टू सॉफ्ट टिश्यूज। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन रेडिएशन इंड्यूस्ड बायोलॉजिक रिस्पॉन्स इफ वी इंक्रीज द लेट ऑफ रेडिएशन। ऑप्शन ए विल रिमेन सेम नो इफेक्ट, ऑप्शन बी विल डिक्रीज, ऑप्शन सी विल इंक्रीज, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर हम रेडिएशन का लेट को बढ़ा देते हैं तो जो रेडिएशन इंड्यूस्ड बायोलॉजिक रिस्पॉन्स है उस पर क्या फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी विल इंक्रीज। अगर हम रेडिएशन का लेट यानी कि लीनियर एनर्जी ट्रांसफर को बढ़ा देते हैं तो जो रेडिएशन इंड्यूस्ड बायोलॉजिक रिस्पॉन्स है वो भी बढ़ जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेट ऑफ द रेडिएशन। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ऑप्शन ए लेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आरबीई, ऑप्शन बी लेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आरबीई, ऑप्शन सी लेट इज इररिलेवेंट टू आरबीई, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि यहाँ पर लेट और आरबीई के रिगार्डिंग इस कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए लेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आरबीई। जो लेट है यानी कि लीनियर एनर्जी ट्रांसफर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आरबीई के। क्वेश्चन नंबर 24, अकॉर्डिंग टू रेडिएशन हॉर्मेसिस ए लिटिल बिट ऑफ रेडिएशन इज गुड फॉर यू बिकॉज। ऑप्शन ए इट स्टिमुलेट्स हार्मोनल रिस्पॉन्स टू अदर टॉक्सिक एनवायरमेंटल एजेंट्स, ऑप्शन बी इट स्टिमुलेट्स इम्यून रिस्पॉन्स टू अदर टॉक्सिक एनवायरमेंटल एजेंट्स, ऑप्शन सी इट किल्स द हार्मफुल माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द बॉडी, ऑप्शन डी ओनली ए एंड बी।
इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि रेडिएशन हार्मोसिस के अकॉर्डिंग थोड़ी बहुत रेडिएशन हमारे लिए अच्छी होती है, तो अच्छी क्यों होती है, इसके पीछे क्या रीजन है, आपको इसमें से चूज करना है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, ओनली ए एंड बी। रेडिएशन हार्मोसिस के अकॉर्डिंग थोड़ी बहुत रेडिएशन हमारे लिए अच्छी होती है क्योंकि ये हमारे हार्मोनल और इम्यून रेस्पॉन्स को स्टिमुलेट करता है जो कि हमें अदर टॉक्सिक एनवायरमेंटल एजेंट से बचाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।